स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि फोल्डर्स कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं अपना वीडियो। नंबर वन, हैवी वेट फाइल फोल्डर्स। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो वेट है वो काफ़ी हैवी होती है, इसके लिए इसका नाम दिया गया है हैवी वेट फाइल फोल्डर्स। इसमें आप जो है फाइल का जो नाम है काफ़ी अच्छी तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, दीज टाइप्स ऑफ फोल्डर्स आर नॉट जस्ट ड्यूरेबल एंड कलरफुल। ये फोल्डर जो होते हैं दोस्तों, ड्यूरेबल तो होते ही हैं और कलरफुल भी काफ़ी होते हैं। दे कम विथ एन एक्स्ट्रा लार्ज टैब ऑफरिंग 90% ऑफ लेबल एरिया। यू कैन राइट और प्रिंट योर लेबल लार्जर। देखिए दोस्तों, किस तरह से ये वाइट कलर को जो आप देख सकते हैं, आपको एरिया दिया गया है, 90% आपको एरिया दिया गया है। इसमें आप अपना फाइल का जो नाम है क्या नंबर है आप इसमें डाल के लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है हैवी वेट फाइल फोल्डर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टैब फाइल फोल्डर्स। जैसे कि नाम में टैब है दोस्तों, ये टैब के जैसा है, टैब फाइल फोल्डर्स फॉर ऑप्टिमल विजिबिलिटी यू शुड कंसीडर द टैब फाइल फोल्डर्स। बहुत अच्छे से अगर आपको विजिबल होना चाहिए दोस्तों कोई फोल्डर, तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं आपका। दे आर फास्ट टू रिट्राइव एंड ऑफर मैक्सिमम लॉन्गेविटी। दोस्तों इसमें आप कोई भी चीज़ फटाफट ढूंढ सकते हैं। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स, और इसमें काफ़ी सारे स्टाइल्स भी अवेलेबल है दोस्तों, एंड फीचर्स भी हैं दोस्तों that you can choose from fit your type of filling system। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपको filling system है वो भी काफ़ी बढ़िया है, आप इसमें choose कर सकते हैं जो भी आपको इसमें fit करना है उसके हिसाब से, तो आप उसके हिसाब से आप अपना priority दे सकते हैं। With these types of file folders, you never waste trying to find important documents। दोस्तों जो भी जिनकी भी फास्ट मूविंग लाइफ है, जिनको भी अपना टाइम सेव करना है, वो ये फोल्डर जो है प्रेफर करते हैं, ताकि इसमें उनको फटाफट से जो पेपर चाहिए या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है टैब फाइल फोल्डर्स। बस आगे बताएं दोस्तों, रीइंफोर्स्ड फाइल फोल्डर्स। You are probably looking for a durable file folder that lasts longer। दोस्तों जिसको भी लंबी रेस का घोड़ा चाहिए तो वो ये फोल्डर्स में प्रेफरेंस देता है अपने आप को, reinforced file folders, क्योंकि इसको लॉन्ग रन तक चाहिए। They offer maximum protection of your documents, such as letters, फोटोग्राफिक प्रिंट्स एंड सर्टिफिकेट। दोस्तों ये जो है आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन करता है डॉक्यूमेंट्स को, आपके लेटर्स को, आपके फोटोग्राफिक प्रिंट्स को और सर्टिफिकेट्स को काफ़ी अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करता है। दीज टाइप्स ऑफ फाइल फोल्डर्स हैव आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड आर बेस्ट फॉर अचीवेबल डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों इस तरह के जो फाइल के जो फोल्डर होते हैं वो एक अलग ही आउटस्टैंडिंग उनका लुक होता है और उनको अलग ही ताकत होती है दोस्तों, और एंड आर बेस्ट फॉर अचीवेबल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ रहा है हैंगिंग फाइल फोल्डर्स। कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों हैंगिंग फाइल फोल्डर्स।
perfect for cabinets. These folders can keep charts. ये फोल्डर्स में चार्ट आपको देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर दिखा रहे हैं आपको रिकॉर्ड्स एंड अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मेंटेन्ड। तो सर इस तरह के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उनके अंदर जो है चार्ट भी रखा जाता है, रिकॉर्ड्स भी रखे जाते हैं और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी रखे जाते हैं, काफ़ी अच्छे से आप उसमें मेंटेन भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे चार्ट डाला हुआ है अंदर डॉक्यूमेंटेशन पे, इसका नाम है हैंगिंग फाइल फोल्डर्स। यू कैन गेट देम एज रीइंफोर्स्ड टैब्स, हैवी ड्यूटी एंड विद एक्स्ट्रा कैपेसिटी फॉर योर बल्की डॉक्यूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा इसमें कैपेसिटी दी जाती है फोल्डर्स में और ये बल्की डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है दोस्तों, हैवी ड्यूटी के लिए भी अच्छा है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ रहा है प्लास्टिक फाइल फोल्डर्स। ये आपने काफी देखे होंगे दोस्तों प्लास्टिक फाइल फोल्डर्स। यू कैन गेट प्लास्टिक फोल्डर्स विथ टैब्स और पॉकेट्स दैट नीटली फाइल एंड स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स। तो सर ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है और आप उसमें इजीली आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को देख भी सकते हैं बाहरी, और आपको निकालने में ये आपको सेग्रीगेट करने में काफ़ी आसानी होती है दोस्तों। विद दीज फोल्डर्स यू कैन स्टोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरली। तो सर इस फोल्डर्स में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरली आप उसमें सेव कर सकते हो एंड ईजीली फाइंड द पेपर्स यू नीड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों, तो इसमें आप इजीली आपको मिल जाता है दोस्तों पेपर्स होते हैं। दीज टाइप्स ऑफ फाइल फोल्डर्स आर ड्यूरेबल, ये काफी टिकाऊ होता है, मेकिंग देम आइडल फॉर फ्रीक्वेंटली हैंगिंग एंड रिट्रेवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंटेशन होते हैं काफी ड्यूरेबल होते हैं और काफी आइडल भी होते हैं, फ्रीक्वेंटली हैंडलिंग एंड रिट्रेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। दे कम इन वेराइटी ऑफ कलर्स, तो इस तरह के जो फोल्डर्स होते हैं वो काफ़ी वेराइटीज होते हैं उसमें, एंड ऑल्सो मेक इट ईजी टू फाइंड स्पेसिफिक फाइल। जैसे कि इसमें कलर होते हैं दोस्तों, तो आपको कोई अगर स्पेसिफिक फाइल चाहिए तो आप उसमें चूज करके निकाल सकते हो विदाउट हैविंग टू वेस्ट टाइम गोइंग थ्रू ऑल फाइल्स। तो दोस्तों आपको कलर के हिसाब से अगर है दोस्तों, तो ये आपको टाइम वेस्ट नहीं होता है और आप कलर के हिसाब से इसको छाट के निकाल सकते हैं दोस्तों। द फोल्डर्स विद पॉकेट्स क्रिएट स्मॉल स्टोरेज फॉर फोटोज नोट्स और मेमोज। तो दोस्तों जो फोल्डर होते हैं इसमें जो पॉकेट्स दिए जाते हैं इसमें स्मॉल स्टोरेज होती है फोटोज के लिए, नोट्स के लिए और मेमोज के लिए। ठीक है दोस्तों, लास्ट आ रहा है दोस्तों रिसाइकल्ड फाइल फोल्डर्स। आप देख सकते हैं दोस्तों रिसाइकल्ड फाइल फोल्डर्स कैसे दिखते हैं, इस तरह से दिखते हैं दोस्तों। रिसाइकल्ड फाइल फोल्डर्स आर एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली चॉइस दैट यू शुड कंसीडर टू गेट ऑर्गेनाइज्ड और स्टे ऑर्गेनाइज्ड एट द ऑफिस एट योर होम ऑफिस। दोस्तों ये एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली चॉइस होती है हर एक की, ये ऑर्गेनाइज के लिए अच्छा होता है, इससे ऑर्गेनाइज एट ऑफिस के लिए भी अच्छा होता है दोस्तों और आपके घर के लिए भी अच्छा होता है। यू कैन फाइंड इको फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकल 100% रिसाइकल्ड फाइल होल्डर। ये 100% रिसाइकल्ड फाइल होल्डर होते हैं दोस्तों, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, बेनिफिट्स है एनवायरमेंट इवन आफ्टर use or at the end of the folder's life you can always recycle the folder. दोस्तों उसको use करने के बाद आप उसको recycle कर सकते हैं दोस्तों folder को, ये environment में काफी अपने को फायदा करता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है file folders that benefits the environment। ठीक है friends, मैं एक बार थोड़ा सा brief कर देता हूँ। recycled file folders इस तरह से दिखते हैं। उसके बाद आ रहा है दोस्तों प्लास्टिक फाइल फोल्डर्स।
उसके बाद आ रहा है दोस्तों हैंगिंग फाइल फोल्डर्स, उसके बाद आ रहा है दोस्तों रीइंफोर्स्ड फाइल फोल्डर्स, टैब फाइल फोल्डर्स। ठीक है दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचा सकूं। और हाँ फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।